मोदी जी के क्षेत्र के लिए कहा जाता था वो 10 लाख से जीते, वो तो 1.5 लाख से जीते, लेकिन कांग्रेस के सांसद रकीबुल जी असम में 10 लाख वोट से जीते। वो समुदाय से आते हैं जिसको नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ लिया था। ये आरोप है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का। जी हाँ, दावा किया जा रहा था कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 10 लाख के मार्जिन से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। ये काशी में तो नहीं हो सका, लेकिन हुआ वहां से सैकड़ों मील दूर असम में, जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां भी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की नाक के नीचे कांग्रेस ने खेल कर दिया और असम के धुबरी लोकसभा क्षेत्र को वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम करने का मौका मिल गया जिसकी कल्पना काशी के लिए की गई थी। धुबरी से कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, धुबरी में कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को 10,12,476 वोट से मात देकर कमाल ही कर दिया। रकीबुल हुसैन को कुल 14,71,885 वोट मिले तो मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को कुल 4,94,009 वोट हासिल हुए। तीसरे नंबर पर बीजेपी के साथ वाली असम गण परिषद के जावेद इस्लाम रहे। धुबरी में 86.80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और तीसरे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग भी इसी सीट पर हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान वो वक्त भी आया था जब रकीबुल हुसैन के लिए प्रचार करने प्रियंका गांधी धुबरी पहुंची। उस वक्त भारी भीड़ उनकी सभा में उमड़ी थी, जिसे देखते हुए ये तो लगने लगा था कि कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हुसैन धुबरी जीत रहे हैं। लेकिन ये जीत इस हद तक जाएगी कि पूरे देश में आमने सामने के त्रिकोणीय मुकाबले में होने वाली जीत का स्टैंडर्ड सेट कर देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। खास बात ये रही कि कांग्रेस को धुबरी में 2004 के बाद से जीत मिल ही नहीं रही थी। यहाँ AIUDF का दबदबा था और बदरुद्दीन अजमल खुद यहाँ से लड़ते हैं। 2019 में अजमल ने कांग्रेस के अबू ताहिर को हराया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने न सिर्फ हिसाब चुकता किया बल्कि जीत का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जिसकी उम्मीद वाराणसी में PM मोदी से की जा रही थी। और तो और, रकीबुल हुसैन धुबरी के रहने वाले नहीं है, वो वहां से 300 किलोमीटर दूर सामागुड़ी के विधायक रहे। आपको बता दें कि अगस्त 1964 को जन्मे रकीबुल हुसैन के पिता का नाम स्वर्गीय अलहाज नूरुल हुसैन है। रकीबुल हुसैन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में MA किया है। खास बात यह है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इतनी बड़ी जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के रकीबुल हुसैन की बात करें तो वो असम के सामागुड़ी से विधायक हैं। उन्होंने 2002 से 2006 तक तरुण गोगोई सरकार में गृह, जेल और होमगार्ड, सीमा क्षेत्र विकास, पासपोर्ट राज्य मंत्री के तौर पर काम किया है। उन्होंने 2004 से 2006 तक तरुण गोगोई की असम सरकार में गृह, राजनीतिक, पासपोर्ट, हज, BAD, सूचना प्रौद्योगिकी, मुद्रण राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो है उनका। बावजूद इसके वो ज्यादातर बाइक पर घूमते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास से बहुत बड़े इलाके में हेलीकॉप्टर की जगह नाव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लोगों से सतत संपर्क बनाए रखा। असम के धुबरी से कांग्रेस की इस ऐतिहासिक एकतरफा जीत, वो भी त्रिकोणीय मुकाबले में, इसका रिकॉर्ड तोड़ना अब बाकी पार्टियों के लिए आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा।